आज का वीडियो सिर्फ कॉमर्स वाले के लिए नहीं, जितने भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए जो ऑलरेडी यूजी पास कर लिए हैं, यानी आपको अंडर ग्रेजुएट हो गया है, तब आप क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो काफी लोगों का कॉल आया कि सर आजकल यूजीसी ने दो दो डिग्री अलाउ कर दिया है, तो हम लोग कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, काफी लोग एलएलबी करना का चाहते हैं, काफी लोग बीएड करना चाहते हैं, कुछ लोग डीएलएड करना चाहते हैं, कुछ लोग डीएड करना चाहते हैं। तो भाई ये सब के चीजों के बारे में काफी लोगों ने डिस्कस किया और मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाया जाए, जहां से आप सभी को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ किसी तरह का अगर प्रॉब्लम है या कोई और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हम लोग का जो नंबर आपको दिख रहा है, वैसे बोर्ड में भी लिख दिए हैं, और जो नंबर दिख रहा है ना उस पर कॉल कीजिए, आपको डिटेल्स सभी चीज को जान सकेंगे। बट बिना स्किप किए आप वीडियो को देखिए, अगर अपने जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो देखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इतनी इंफॉर्मेशन इसमें दे रहा हूं इतना कम टाइम में कि पूछिए नहीं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जितने लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कर लिए हैं, अब आप काफी लोग बीए से एमए करना चाहते हैं, बीएससी वाले एमएससी करते हैं, बीकॉम वाले एमकॉम करते हैं, बीबीए वाले और बीसीए वाले एमसीए भी करते हैं। हम आपको बताएंगे कि यूजीसी ने जो दो डिग्री अलाउ किया है, तो आपको एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए ऑनलाइन या एफटेल से करना चाहिए, क्योंकि ये यूजीसी ने अलाउड करके रखा है। इससे क्या होगा, आप एक साथ ये सारे डिग्री कर सकेंगे, और ये इसके लिए इतने बेहतरीन बेहतरीन कॉलेज हैं मेरे पास, जहां से आप ऑनलाइन बैठ के आराम से एग्जाम दे सकते हैं और फेल होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। अब आइए, तो ये ऑनलाइन कीजिए। इसके साथ काफी लोग बोलते हैं सर हम लोग डीएलएड करेंगे, डीएड करेंगे, बीएड करेंगे। भाई ये रेगुलर डिग्री है, ये रेगुलर डिग्री है, मतलब एक आप ऑनलाइन या एफटेल से कीजिए। आप बोलेंगे सर एफटेल क्या है, फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी इनेबल लर्निंग, जो यूजीसी ने दिया हुआ है, ठीक है, फ्लेक्सिबल, ये पूरा दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये यूजीसी द्वारा अलाउड है, और ये बहुत सारे यूनिवर्सिटी करवाते हैं, जहां से हम आपका एडमिशन करवा देंगे। बहुत ही कोर्स भी ना के बराबर है, और एफटेल का पूर्व फॉर्मूला जैसे ऑनलाइन बोलते हैं ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ऑनलाइन और डिस्टेंस अच्छा नहीं लगता है, इसमें मत जाइए। आपको ये फुल डिग्री वैलिड होता है, फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग। अब आपको क्या करना चाहिए सो देखिए, आप ये रेगुलर डिग्री में कीजिए। कुछ लोग अगर एलएलबी करना चाहते हैं तो एलएलबी का भी एडमिशन हम करवा देंगे, जहां आप बोलिए वहां करवा देंगे। अब कुछ लोग को क्या करना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए ऑनलाइन या एफटेल से करते हुए, यानी इसको ऑनलाइन में करते हुए जो दो डिग्री अलाउड किया गया है, आप आराम से पीजीडी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किस में कर सकते हैं, तो बिजनेस मैनेजमेंट में कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं, फिनांस से कर सकते हैं। अब देखिए फिनांस से कौन करेंगे, कॉमर्स वाले लोग, बीबीए वाले लोग। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट कर सकते हैं, और एक बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन होता है, ये कोर्स आप करके कहीं पर भी आसानी से नौकरी आपको मिलेगा। ये सारे आप लेंगे सर ये कितने दिन का ड्यूरेशन है, ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, बेहतरीन यूनिवर्सिटी से करवाएंगे आपको, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यूजीसी से। ये वहां से अगर आप करेंगे तो आपका जॉब में कितना हेल्प होगा, और जॉब में ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा। कितने लोग पीजीडी फिनांस मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट सप्लाई चेन ऑपरेशनल और बैचलर लाइब्रेरी से करेंगे, तो इसका फायदा उठाइए। कोर्स फी भी बहुत ही कम है, और ये सब बार बार बता रहे हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं तो इसे जान सकते हैं इसमें फोन करके। और आपको पता है ना कि आप बोलेंगे सर डीएलएड, डीएड, बीएड कहां से करवाएंगे। अरे भाई, काफी लोग तो 12 पास करके ही, जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स 12 पास करते हैं किसी भी बोर्ड से, वो
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बोर्ड से, इधर उधर से नहीं करवाएंगे। देखो जब भी बीएड करना है, डीएड करना है, डीएलएड करना है, तो कभी भी प्राइवेट बोर्ड से नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा करना चाहिए वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का बोर्ड है, यहीं से ये सारे चीजें करवाया जाता है, यहीं से आपका नाम लिखवा के प्रॉपर वे से करवा देंगे। ये बात पूरा दिमाग में बिठा लीजिए। और आपको तो पता ही है कि 12 के बाद भी लोग डीएड और डीएलएड कर सकते हैं, काफी लोग कर रहे हैं, एडमिशन करवाए हम लोग, 12 पास किया, इसके बाद लोग बीकॉम की तरफ भागते हैं, बीए की तरफ, बीएससी की तरफ, कहां जॉब मिलेगा? आपको पता है कि कितना टीचर का वैकेंसी पेंडिंग और कितना जोर से निकल रहा है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में लाखों लाख वैकेंसी निकल रहा है। यानी 12 पढ़ने के बाद लोग जो बीए बीएससी बीकॉम की तरफ भागते हैं, काफी लोग जिसको आइडिया है वो आराम से डीएड और डीएलएड कर लिए। ये सब 2 साल का होता है, मतलब आप 12 के बाद 3 साल में ग्रेजुएशन करते हैं और वो लोग टीचर बनने का डिग्री ले लेता है, सोच के देखिए। और कंपटीशन में ये लोग निकलेगा कि आप निकलेंगे? तो अभी भी वक्त नहीं गया है। आपको पता है एक और है बीए बीएड, 12 के बाद बीए बीएड भी करते हैं, 4 साल का होता है बीए। और एक पैरामेडिकल साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल में आप जानते हैं कि कितना जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो जानते हैं वो कमेंट कीजिएगा और जो नहीं जानते गूगल कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं या फिर इसमें से कोई भी आपको कोर्स करना है, तो जो नंबर दिख रहा है उस पर आप आराम से कॉल कीजिए। अब लास्ट एक लाइन और बोलेंगे, जैसा यूजीसी ने 2-2 UG यानी 2-2 ग्रेजुएट आप कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, यानी तब आपको क्या करना चाहिए कि ये सब आप ऑनलाइन में कर लीजिए और उसके साथ रेगुलर डिग्री आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो एक साथ एक ही टाइम फ्रेम में आप 2 डिग्री ले लेंगे, जो कि एज पर रूल एंड रेगुलेशन ऑफ यूजीसी अलाउड है और आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आप भी गूगल कर सकते हैं और यूजीसी के साइट में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको कहां कंफ्यूजन है, किस टाइप के कंफ्यूजन है, कमेंट कीजिए, मास्टर सर इसका इंतजार करेगा और उचित उसका जवाब देंगे। बट ये अपॉर्चुनिटी मत जाने दीजिए, अगर अभी भी आपने नाम कहीं पर भी लिखा लिया है तो कोई दिक्कत का बात नहीं, तो आपको ऑनलाइन में और सारे डिग्री जितने भी हैं ऑनलाइन में कर लीजिए। अगर आप वहां ऑफलाइन कर रहे हैं, वहां अगर ऑनलाइन करेंगे तो यहां ऑफलाइन कर लीजिए, सारी अपॉर्चुनिटी है जी। सिर्फ आपका विजन और मिशन क्लियर होना चाहिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, और अगर फिर भी दिक्कत है कि क्या बनना है नहीं बनना है, तो नंबर दिख रहा है ना, कॉल कीजिए, आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।